इजराइल और ईरान के बीच की अदावत कोई नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। हालिया संघर्ष ने इसे और बढ़ा दिया है। इजराइल ने हाल ही में लेबनान के दाहिया में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह समेत उनके कई कमांडरों की मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत के जवाब में ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने इजराइल में करीब 200 मिसाइलें दागी। हमले के बाद ईरान ने साफ कहा कि बदले की कार्रवाई के तहत इजराइल पर यह हमला किया गया है। अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो हम इजराइल पर फिर हमला करेंगे। उधर इस हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल पर ईरान के इस हमले की कई देशों ने आलोचना की है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस देश ने क्या कुछ कहा। ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग शुरू होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल ने कहा कि वह इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को लेकर चिंतित हैं। बॉर्नियर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और हमले हो रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। उधर भारत ने इस मामले में अभी तक खुद को दूर रखा है। इजराइल पर ईरान के हालिया हमले को लेकर भारत ने अभी कोई बयान नहीं जारी की है। वैसे भी भारत इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने की संभावना कम है क्योंकि भारत हमेशा इस पर तटस्थ रहता है। फिलहाल भारत ने ईरान और इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है और वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट कर दिया गया है ताकि वहाँ भारतीय सुरक्षित जगहों पर रहें, उनसे आग्रह भी किया गया है। भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से हो सकता है, युद्ध से नहीं। हालांकि पीएम मोदी ने हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। सऊदी अरब का भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल के समर्थन में अमेरिका खुलकर उतर आया है। अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर हमले तुरंत बंद करने को कहा है, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इजराइल को पहले ही आगाह कर दिया था कि ईरान उस पर हमला करने वाला है। वहीं इजराइल ईरान संघर्ष पर रूस का भी बयान सामने आया है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। बाइडेन प्रशासन केवल तनाव बढ़ा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, ये चिंता का विषय है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।